वजन कम करना उस टाइम बहुत ज्यादा आसान हो जाता है जब आप अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले करके वर्कआउट कर रहे हैं। सो आज हम करने वाले हैं नो इक्विपमेंट टबाटा वर्कआउट। सो आप कोई भी अपना फेवरेट म्यूजिक प्ले कर लीजिए और साथ में इन वर्कआउट को करें। सो आज हम करने वाले हैं फोर राउंड वर्कआउट। हर एक राउंड में 4 एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। सो फर्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से, पैरों में गैप बनाए एंड राइट टू लेफ्ट, एल्बो टू नी टच एंड साइड की तरफ, राइट टू लेफ्ट एंड साइड, सेम अदर साइड से भी ऐसे ही करना है। अगला जंप एंड ट्विस्ट, कमर को ट्विस्ट करना है जंप करते हुए। नेक्स्ट 1 2 1 2, अगला जो हमारा होगा उसमें इस तरीके से दोनों हाथ सामने, पैर इकट्ठे, जंप, पैर दोनों हाथ बाहर इस तरीके से। सो फर्स्ट राउंड में ये 4 वर्कआउट करेंगे, उसके बाद रेस्ट करेंगे अराउंड 1 मिनट के आसपास, फिर राउंड सेकंड में आ जाएंगे। सेकंड राउंड एब्स के लिए है, तो इस तरीके से सिंपली लेट जाएं, अप डाउन अप डाउन। नेक्स्ट एल्बो टू नी टच, नेक्स्ट दोनों पैर ऊपर एंड फीट टच इस तरीके से। नेक्स्ट दोनों पैरों में गैप बनाएं, साइड की तरफ अपनी हील को टच करते हुए। सेकंड राउंड भी हर एक्सरसाइज को आपको करना है 40 काउंट्स एंड रेस्ट करेंगे 1 मिनट के लिए। अब आते हैं हमारे थर्ड राउंड पे। सो थर्ड राउंड हमारा स्पेशली लोअर बॉडी के लिए है, तो हमारे थर्ड राउंड पे। सो जो थर्ड राउंड है वो आपके लोअर बॉडी के लिए। सो फर्स्ट सुमो स्क्वाट, दोनों पैरों में गैप, शोल्डर से ज़्यादा गैप करते हुए, दोनों हाथ सामने, स्क्वाट्स वापिस, स्क्वाट्स वापिस। नेक्स्ट जंप एंड रेगुलर स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट्स, जंप स्क्वाट्स। नेक्स्ट अपने पैरों के पंजों को अप करेंगे एंड स्क्वाट्स करते हुए। सो इस तरीके से स्क्वाट्स अप, स्क्वाट्स अप। एंड हमारा फोर्थ राउंड 3 का स्क्वाट्स एंड फीट टच, स्क्वाट्स फीट टच, स्क्वाट्स फीट टच। अब रेस्ट करें 1 मिनट के लिए, उसके बाद आएंगे हमारे राउंड 4 पे। जो राउंड 4 है वो स्पेशली साइड फैट के लिए है। सो फर्स्ट एक हाथ अपनी कमर पे रखते हुए इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सेम अदर साइड, इनहेल एक्सहेल 40 काउंट्स ईच साइड। नेक्स्ट 1 2 1 2 एंड थर्ड राइट टू लेफ्ट, इस तरीके से पैर के पंजे को टच करेंगे। एंड अगला आता है वो हम करेंगे वॉल की हेल्प से, दीवार से 1 फीट के गैप पे खड़े होंगे एंड अपनी कमर को शोल्डर को ट्विस्ट करते हुए वॉल टच इस तरीके से, पूरा आपको कमर को ट्विस्ट करना है। सो इन सभी एक्सरसाइज को करें, हर एक्सरसाइज को आपको रिपीट करना है, हर राउंड को आपको रिपीट करना है 2 times। सो आज के लिए इतना ही, आई होप आप प्रॉपर फॉलो करेंगे और अपना वेट लॉस करेंगे। सो कमेंट करके जरूर बताएं अभी आपका वजन कितना है। बाय बाय टू ऑल।